अखिल भारतीय सनातन परिषद ने ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के बयान पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस विधायक ने अपने बयान में मजार को समाधि कहा। इसे लेकर अखिल भारतीय सनातन परिषद के केंद्रीय कार्यालय में बैठक हुई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सचिव श्री महंत रामरत्न गिरी महाराज और अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री पुरुषोत्तम शर्मा शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस विधायक के बयान को बचकाना बताया गया। जो आज बैठक की उसका मुद्दा था कि ज्वालापुर विधायक ने मजार को समाधि बोला और साथ ही हमारे श्री महंत जी का अपमान किया गया। और सबसे बढ़िया था ज्वालापुर में धरना भी हुआ और कुछ लोगों ने कुछ ऐसा आप शब्द लिखा, मैं बोल नहीं सकता, पर इसका हमारे बैठक का उद्देश्य था कि ये जो रवि बहादुर हैं विधायक, वो महंत जी से माफी मांगे और सारे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है इन्होंने। देखिए सनातन परिषद के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे और हमने ये फैसला किया कि बहुत जल्द हम जिलाधिकारी और डीजीपी को भी ज्ञापन देंगे। जो हरिद्वार शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं रवि बहादुर जी से वो नहीं रखता, वो भी हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू सनातनी भाई है, पर उन्होंने अपनी वोटों की राजनीति के लिए मजार और समाधि को एक कर दिया। मजार का शब्द अलग होता है, समाधि का शब्द अलग होता है। समाधि हिंदुओं में दी जाती है और मुस्लिमों में मजार बनाई जाती है, जब जहां लोगों को कब्रों में दफनाया जाता है। इसको इस अंतर को लेकर उन्होंने जो ये बयानबाजी करके हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, मजारे भी तोड़े, जो अवैध हैं, जो सड़क के बीच आ रही हैं। जब हमारे हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हमने तो कोई विरोध नहीं किया, और जब मजार तोड़ी गई तो सैकड़ों मुस्लिमों को लेकर विरोध किया जा रहा है और हमारे यहाँ की शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि रवि बहादुर जी सच्चे हिंदू हैं तो अपना बयान वापस ले, मजार को मजार कर समाधि को समाधि कहें। हमें उनसे कोई आपसे भेद नहीं, वो हमारे हिंदू भाई हैं और हमारे अपने हैं, पर राजनीति के लिए हिंदुओं का विभाजन ना करें। हमने जो आज बैठक की